हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं करणराज आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ब्लॉग में। हम आपको एक कुछ खास दिखाने वाले हैं। आज हमने कुछ मंगाया है कुरियर के थ्रू। चलिए फिर वो लेकर आते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं उसकी अनबॉक्सिंग। वैसे बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आपको पसंद है तो आप भी ले सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। वीडियो भी आ गई है, उसे लेकर आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो भाई, कुरियर भी आ गई है, कुरियर वालों के पास जा रहा हूँ और फिर कुरियर लेकर रूम पर जाके आपको दिखाते हैं अनबॉक्स होकर इसको। ये भाई हमारा कुरियर भी आ गया है, इसी कंपनी की है, थेमिस्टो की है। बाकी ये क्लैंप मीटर है और ये एसी डीसी दोनों पर वर्क करती है। पैकिंग भी बहुत बढ़िया है इसका, देखो इसके अंदर एक छोटी सी बैग निकली है और ये इसका मैनुअल है। इस बैग में क्या क्या है ये देखो भाई। एक तो ये क्लैंप मीटर निकली है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एमडी भी ये छोटा सा है, बैक साइड से लुक है। और ये थर्मोस्टेट है, मतलब कि टेम्परेचर बताने के लिए है। और ये सेल है और ये इसकी वायर है, टेस्टिंग वायर। इसको साइड करते हैं, आपको ये दिखाते हैं क्लैंप मीटर ओपन करके। बिल्कुल सील पैक है भाई, ये देखो भाई छोटी सी एकदम है, पूरे हाथ में आ जाती है, हैंडी है बिल्कुल। और 30 mm की जेब इसको खुलती है ऊपर से। इसमें LED लाइट भी रखा, बैक लाइट भी दे रखा, दादा होल्ड भी दे रखा है। अगर बैटरी लगी नहीं है इसमें इसलिए ये ऑन नहीं होगी, फिर आपको बैटरी लगा के दिखाएंगे। देखो ये हम खोल रहे हैं इसे, ये इसकी है। 2 AAA साइज की बैटरी लगती है, छोटी छोटी जो साथ में दे रखे हैं। भाई बैटरी लगाने का भी तरीका इसमें बहुत अलग दे रखा है भाई। एक तो स्प्रिंग का सिस्टम दे रखा है, दूसरा अलग है। चलिए ठीक है, लगा दिया है, उसके बाद इसके स्क्रू कसते हैं। अब ये देखिए इसे ऑन करते हैं, बीप की आवाज़ सुनाई देती है, लाइट थोड़ी जलती है। ये एम्प्स पे हैं, ये कंटिन्यूटी है और नीचे में एक सबसे नीचे टेम्परेचर है। फिर ये NVC है, NVC का मतलब आपको दिखाते हैं। देखो अगर किसी वायर में करेंट होगी तो अपने आप आवाज़ ये करने लग जाएगी। देखो आवाज़ कर रही है, सिर्फ सताने पर ही आवाज़ करने लग जाएगी। इससे ये होता है कहीं तार अगर कट गई होगी इससे, तो इससे पता चल जाता है। और ब्रेक लाइट वगैरह सब इसमें दे रखा है। चलिए भाई, क्लैंप मीटर तो काफ़ी अच्छा निकला और ये मुझे अमेजोन से 1499 की पड़ी है। अगर आप लोगों को लेना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप ले सकते हो। और रेट आप देख लेना कि ये फ्लैक्चुअल रेट करती है अमेजोन पर, आपको भी पता है कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। देखने में तो काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छा है ये। बाकी आप देख लेना, आपको अगर पसंद हो तो आप ले सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज के ब्लॉग में इतना ही, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।